है कि एक तो पानी बहुत ज़्यादा है, आगे तो कमर तक पानी चला गया जहाँ पे नीचे ढलान है। सेकंड थिंग, जो हमारे वाटर टैंक्स हैं उसमें ये सारा डर्टी वाटर आ चुका है, मच्छर हैं, स्नेक्स के बच्चे घूम रहे हैं, नेवले घूम रहे हैं, हमारे इतने छोटे बच्चे लेके हम लोग बाहर किस तरीके से आए, हालात देखें, आने जाने में दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं जा रही हैं, हमारी तो बिल्कुल ही लाइफ स्टाइल ही रुक गया है, जैसे निकासी नहीं है, वाटर एग्जिट नहीं है, नाले नहीं है, तो हमें एग्जिट पॉइंट तो चाहिए। हम हर बार ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते यहाँ पे बारिशों में। हाँ, दरवाजों में करंट है और वाटर टैंक्स में हमारा ये गंदा पानी भर चुका है और कीड़े मकोड़े मच्छर सब घर के अंदर ही हमारे। पूजा करवानी परेशानी आ रही है आप लोगों को? ये उदयनगर है, बालाजी फार्म हाउस के पीछे, अभी परिसीमन के बाद ये वार्ड नंबर 21 का भाग होने जा रहा है। तो यहाँ पे पानी निकासी का पूरा व्यवस्था नहीं है। एक तारीख को भी जब बारिश आई थी तब भी यहाँ पे इसी तरह का पानी भर गया था, इससे थोड़ा सा कम भरा था, तब भी मैंने आयुक्त नगर निगम को भी फ़ोन करा था, तो उन्होंने XCNR सिंह जी को और 2 JNO को भी भेजा था, तब इन्होंने यहाँ से पीछे से पानी निकालने का उन्होंने प्रोजेक्ट बना के उनको भेजा था। उसके बाद पानी जैसे अपने आप ही वहाँ से, जहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है कोने पे, वहाँ से पानी निकासी का सीर बनी हुई है, तो पानी अपने आप, वो क्या प्राकृतिक नाले थे, तो आजकल क्या जहाँ देखो जिसको जो देखो वो नालों पे अतिक्रमण करता जा रहा है। यहाँ पे भी प्राकृतिक पहले 4-5 नाले थे और उनकी ये बनी हुई थी, पुलियाँ बनी हुई थी। तो अभी क्या स्थिति है बताएं आप? अभी ये कल से लोगों के घरों में भी पानी लगभग भर चुका है और सांप वगैरह और बिच्छू वगैरह ये घूम रहे हैं, और बारिश अगर और आई ना तो इनके बिल्कुल डूबने के पूरे चांस है। और मैंने कल आयुक्त को भी फ़ोन करा था, मेयर साहब को भी करा था, और कल बाकायदा कलेक्टर भी आए थे, ADM सिटी भी आए थे और आयुक्त भी आई थी, लेकिन उन्होंने देखने के बाद भी रात को, शाम को उन्होंने पंप एक लगवाया था, वो भी 2 घंटे चलाने के बाद रात को 10 बजे चला गया, ले गया, ख़राब हो गया, और अभी और पानी बढ़ गया है। जब वो देखने के गए उसके बाद और पानी भर गया है और सारी गाड़ियां बाहर, और निकलने के भी दिक्कत हो रही है, और वापस अभी एक पंप लगाया ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनको कम से कम यहाँ पे 4-5 पंप लगाएंगे तभी होगा। और इसके अलावा भी यहाँ पे अगर ये इनका निकासी का नहीं हुआ ना तो इनके लिए हमेशा की ये दिक्कत रहेगी। और इनमें मकानों में आगे जो देख रहे हैं ना वो बच्चे खड़े हैं उसमें, कल मैं भी जब आया था सुबह तो मैंने हाथ लगाया तो एकदम मेरे को झटका आया था, तो मैंने इनसे पूछा तो बोले ये सभी घरों में लगभग करंट आ रहा है, अर्थिंग आ रही है। मोहन लालवानी, पार्षद, वार्ड नंबर 21। कल जो अजमेर में 4 इंच बारिश हुई है, परसों रात्रि से लेकर के कल दिन भर वर्षा का दौर चलता रहा, और ऐसी स्थिति में सिर्फ 4 इंच बारिश में हमारे अजमेर की कई कॉलोनियाँ जलमग्न हो गई। और जब बारिश रुकी तो पूरे क्षेत्र का हमने दौरा किया, उसमें पूरा जिला प्रशासन हमारे साथ था, जिसमें जिलाधीश महोदय, नगर निगम के जो है हमारी CEO मैडम, और ADM प्रशासन, ADM सिटी, समस्त लोग हमारे साथ थे। और उनमें मैंने उनको बताया कि जो नाले हैं वो नाले कच्चे होने की वजह से पानी अपने दिशा में नहीं बहता है और पूरी जगह फैल जाता है, इसलिए वो नालों का निर्माण हो, और जो बरसाती नाले रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हैं उन रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले नालों को खोला जाए, क्योंकि पानी को हम डाइवर्ट नहीं कर सकते, पानी को हम पहाड़ पर नहीं चढ़ा सकते, पानी अपनी दिशा में ही बहेगा, और वो जो उसकी दिशा पहले से तय है उस दिशा में जितने भी अवरोध हैं, जितने भी अतिक्रमण हैं उनको उठाया जाए, ताकि आने वाले वर्षा ऋतु में इस प्रकार की कोई समस्या ना हो। और जो हमने नालों का सेंक्शन कराया पिछली गवर्नमेंट में, वो नाले पुनः बने और पानी का बहाव सुनिश्चित हो, तो सभी लोगों ने इस बात के लिए एग्री किया है कि नहीं, निश्चित रूप से इन नालों को पक्का होना ही चाहिए। और अब आने वाले समय में वो किस तरह से पक्का होंगे उसकी कार्य योजना बनाने के निर्देश जिला कलेक्टर महोदय ने दिए हैं, आने वाले समय में इसका परिणाम हमको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये जाए कि राजस्व रिकॉर्ड में कुछ नाले दर्ज हैं पर इसके अतिक्रमण हो चुका है, मतलब वो हाँ कुछ नाले राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो अब लगभग समाप्त हो गए, मतलब समाप्ति का मतलब है उसको भू माफियाओं ने जमीन काट करके भूखंड काट के बेच दिया और उन पर मकान बन गए। कुछ नाले ऐसे हैं जो अभी भी हैं मौजूद लेकिन अस्त व्यस्त हैं, क्षतिग्रस्त हैं, और उनमें पानी का बहाव है, लेकिन लोगों ने अपनी खातिरदारी भूमि के साथ साथ नाले की जो सरकारी भूमि थी उसको भी बेच दिया है, तो वो अगर से अभी खाली है, रिक्त पड़ी है, तो उन भूमियों पर किसी तरह से नालों का निर्माण होना चाहिए।